अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि भले ही मेरे और आपके पद में अंतर हो सकता है, परंतु आपके और मेरे मनुष्य होने में कोई अंतर नहीं। तुमने मेरे घर आकर काम करने से मना किया, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। साहब, सरकार मुझे आपके घर काम करने के लिए पैसा नहीं देती। सरकार मुझे सरकारी काम करने का पैसा देती है। अपनी लिमिट में रहो मिस्टर। लिमिट में रहते रहते तो हम जैसे लोगों के पुरखे खप चुके हैं। उनकी कमजोरी और उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया आप जैसे अधिकारियों ने। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम एक कर्मचारी हो और मैं एक अधिकारी। रही बात किस्मत की, तो आप ये मान चुके हैं कि आप अधिकारी अपनी किस्मत से बने हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी प्रतिभा से नहीं, आप अधिकारी किस्मत से बने हैं। यही आपने अभी अभी माना है। मेरी 30 साल की नौकरी में आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया जो तुम कर रहे हो। मैं अपने आत्मसम्मान और मेरे मान सम्मान के लिए भूखे मर सकता हूँ। किसी भी बातों से समझौता नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके निजी कामों के लिए भी आपको सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। सब्जी मार्केट से सब्जियां लेने और थैला उठाने के लिए भी आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इतने लाचार और कमजोर हो चुके हैं कि आपको हर काम के लिए सरकारी कर्मचारी ही चाहिए। आपके घर के काम के लिए, आपके बाजार के काम के लिए और आपके निजी कामों के लिए भी सरकारी कर्मचारी। आप अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते। आपको सरकार भरपूर पारितोषिक देती है आपके काम के लिए, तो आप उसमें से खर्चा नहीं कर सकते और आप अपने निजी कामों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करते हैं। सरकार तनख्वाह उन्हें आपके घर के काम के लिए नहीं, कार्यालय और सरकारी काम के लिए देती है, परंतु आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। काम तो तुम्हें करना ही होगा मेरे घर का। जो लोग जमीन से जुड़कर मेहनत करके अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता है। लेकिन जो अनुकंपित नियुक्तियां हैं, जो किसी नेता या किसी बड़े लोगों के आशीर्वाद से बड़े बड़े अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, वे जमीनी हकीकत को नहीं जानते। वे फर्श की मेहनत को अर्श तक ले जाना नहीं जानते। वो उपहार में दिए गए पद से अहंकार को जन्म देते हैं और आप जैसे हरकत करते हैं। हमने देखा है अनुकंपित आशीर्वाद से नियुक्त अधिकारियों के अहंकार को। पिछले कई दिनों पहले ही एक उच्च स्थान पर बैठे अधिकारी ने त्रिपुरा में एक विवाह स्थल पर जाकर उपद्रव मचाया। वहां एक बुजुर्ग निर्दोष पुजारी को थप्पड़ मारा। अपने अहंकार में चूर ऐसी हरकत की जो पूरे देश में किरकिरी का सामना करना पड़ा। ऐसे ही अधिकारी ने माता विसर्जन के कार्यक्रम में लाठियां और गोलियां चलवाई।
ये सब अनुकंपित नियुक्तियां हैं। और वाकई में आप सही कर रहे हैं कि किस्मत से, आपकी किस्मत और आप पर जो बड़े लोगों का आशीर्वाद और जो अनुकंपा रही है उसका आपने दुरुपयोग किया है। आप जैसे लोगों ने, आपको हर काम के लिए सरकारी कर्मचारी अपने घर पे साफ सफाई के लिए चाहिए, सामान लाने के लिए चाहिए, अपने निजी कर्मों के लिए चाहिए। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में आपके नित्य कर्मों के लिए भी आप सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने की पेशकश करेंगे। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि भले ही मेरे और आपके पद में अंतर हो सकता है, परंतु आपके और मेरे मनुष्य होने में कोई अंतर नहीं।